दोस्तों, एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि समाज के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हर व्यक्ति ने यह सोचना चाहिए कि ये सबकी प्रॉब्लम है और मिलकर सॉल्व करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से आपको मैं ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कसाई, बचर और एक चूहे की ये कहानी है। कसाई के घर में एक चूहा घुस गया था और वो परेशान करने लगा था, तो उसकी वाइफ ने उस बचर से, उस कसाई से कहा कि तुम उस चूहे को पकड़ने के लिए एक केज, एक पिंजरा लेकर के आइए। तो चूहे ने इस बात को सुन लिया कि बचर, कसाई जो है वो तो तैयारी कर रहे हैं मुझे पकड़ने की, और वो मुझे पकड़ने वाले हैं। तो उस घर में एक कबूतर रहता था, एक मुर्गा रहता था और एक बकरा रहता था। तो वो चूहा पहले कबूतर के पास जाता है कि यार बहुत बड़ा मसला हो गया, ये जो बचर है, कसाई, ये पिंजरा लाने के लिए गया है मुझे पकड़ने। तो कबूतर कहता है भाई तेरा प्रॉब्लम है तू दे। फिर वो आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ने के बाद मुर्गे के पास जाता है, मुर्गे से कहता है कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कसाई मुझे पकड़ने के लिए पिंजरा लाने गया है। मुर्गा भी कहता है कि शायद तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो। आगे बढ़ता है बकरे के पास, तो बकरा भी वही आंसर देता है। चूहा परेशान हो जाता है कि यार अभी ये सब केज लाने के लिए गए, मुझे पकड़ने वाले हैं। वो जो कसाई होता है वो पिंजरा केज लेकर के आता है, सेट करता है। और रात के समय में क्या होता है कि उसकी बचर की वाइफ को ऐसा आवाज आता है कि शायद केज के अंदर वो चूहा पकड़ा गया। रात का अंधेरा होता है, उसकी वाइफ उस केज के पास जाती है, उसे खोलने की कोशिश करती है, तो उसमें से एक जहरीला सांप उसे डंक मारता है। उसमें चूहे की जगह जहरीला सांप आ गया था उस केज के अंदर। तो दोस्तों, वो कसाई उसकी जो वाइफ होती है उसके लिए दवाइयाँ, जो भी मेडिकल्स वगैरह होता है, लेकर के आता है। और आने के बाद वो जो डॉक्टर होते हैं वैद्य, वो शायद कहते हैं कि अगर आपकी बीवी को आप ठीक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनकी इलाज हो जाए, तो इन्हें आप कबूतर का सूप पिलाइए, कबूतर का सूप पिलाइए। तो दोस्तों, वो डॉक्टरों से पूछता है कि आपके घर पे कबूतर है क्या? कसाई कहता है हाँ, मेरे घर पे कबूतर है। वो उस कबूतर का सूप बनाते हैं और उस लेडीज को, उस औरत को देते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि उनके घर पे उस लेडीज को देखने के लिए मेहमान आते हैं, तो शायद अब उनके लिए दावत रखी जाती है। तो दावत में उनके घर में मुर्गा होता है, उसे वो काटते हैं और सब मिलके उसका, उसको दावत में पेश कर लेते हैं, उसे ईट कर लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो लेडीज ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद वो कसाई कहता है कि शायद एक जहरीले सांप ने काटा था और मेरी वाइफ ठीक हो गई है। तो वो चाहता है कि मैं जो एरिया के अपने मोहल्ले के लोग हैं तो मैं उनकी दावत करूँ। तो वो दावत में क्या, तो वो जो बकरा होता है उसको सेक्रीफाइस करते हैं और उन सबको दावत देते हैं। दोस्तों, इस कहानी के अंदर हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जब चूहा पहले कबूतर के पास गया, फिर मुर्गे के पास गया, फिर बकरे के पास गया, कि मेरे जीवन में एक प्रॉब्लम आ गई और उनसे सॉल्यूशन ढूंढ रहा था, तो शायद उन्होंने उसे सॉल्यूशन नहीं बताया तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम है, तुम्हें सॉल्व करो। दोस्तों, इसी तरह होता है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं और किसी के जीवन में आते हैं, तो हम उसे सॉल्व ना करते हुए वो, हम ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम उसकी और वही सॉल्व करेगा। तो हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए हमेशा। हमें ये कहानी से बहुत प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।